इसको देखो भाई, इसको आप वैल्यू पुट कर सकते हो और ट्रिपलेट से भी बना सकते हो, यानी सबसे छोटा ट्रिपलेट कौन सा होता है, 3 4 5। अगर मैं 3 4 5 लेता हूँ यहाँ से तो 10 कितना हो जाएगा आपका, 3/4 माइनस से कितना हो जाएगा आपका, 5/4 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा कितना आपका भाई, 4 और 3 7 माइनस 5 करेंगे 2/4 का मतलब हुआ 1/2। उसी तरीके से नीचे में सिर्फ प्लस कर देना है, यानी कि हो जाएगा 3 3 प्लस 5 माइनस 1/4, ठीक है, तो हो जाएगा 5 3 8 माइनस 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी अब कितनी है, 1/2 आ जाएगी, और सेक थीटा कितना होता है, 5/4, तो हो जाएगा 5/8, तो जिसका भी 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/k, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, 8/5, तो जिसका भी वैल्यू 8/5 देगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। 8/5 कौन दे रहा है, अगर मैं 1 रखूँ यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 प्लस sin थीटा कितना हो जाएगा, 3/5, तो 5 प्लस 3 यानी कि 8/5 पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आप चेक कर सकते हो भाई, 1 माइनस कितना हो जाएगा, 4/5, तो 5 माइनस 4 करोगे 1/4 आएगा यहाँ पर, इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 यानी 1 प्लस 4/5 करोगे, यानी 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9/4, ये नहीं होगा, ये माइनस है तो भाई कितना हो जाएगा, माइनस करोगे ना 5 माइनस 3 करोगे 2/4 आ जाएगा, तो ये तो अपोजिट है तो ऐसे ही नहीं होगा, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर 1।